नमस्कार दोस्तों, फैट टू फिट में आप सभी का स्वागत है। फैट टू फिट का लक्ष्य आपके मोटापे को घटाना, मसल्स को बढ़ाना और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में आपकी सहायता करना है। हमें बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर और मिस्टर इंडिया रनर अप जगदीश लाड का कोरोना के कारण निधन हो गया। जगदीश लाड ने मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन में सिल्वर मेडल भी हासिल किया था और वो मात्र 34 साल के थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस कठिन समय में लड़ने की शक्ति। हम सब भारतीय इस महामारी से जूझ रहे हैं और आए दिन दिल दहलाने वाली खबरें सुनने को मिल रही है। कोविड-19 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और ये भी दर्शाया है कि एक नोवल वायरस किसी के लिए भी घातक साबित हो सकता है, चाहे वो बॉडी बिल्डर, फिटनेस मॉडल, डॉक्टर इत्यादि क्यों ना हो। इसलिए हमने सोचा कि इम्यूनिटी के बारे में लोगों को अवगत करवाना जरूरी हो गया है। आज हम बात करेंगे कि वायरल इन्फेक्शन के दौरान इम्यूनिटी कैसे काम करती है, क्या मसल ग्रोथ का इम्यूनिटी पर कोई असर पड़ता है कि नहीं। हम कोविड-19 वायरल इन्फेक्शन के 3 फेजेस के बारे में आपको अवगत करवाएंगे और इस समय आपका सबसे प्रथम कदम क्या होना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 वायरल इन्फेक्शन के बारे में। कोविड-19 वायरस का सबसे आउटर कवरिंग होता है स्पाइक प्रोटीन। इसकी प्रोटीन कवरिंग की वजह से ये होस्ट सेल्स पर अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद इसकी जो आउटर कवरिंग है वो टूट जाती है और वायरल आरएनए या जेनेटिक मटेरियल्स सेल्स के अंदर घुस जाता है। सेल्स में एंटर करने के उपरांत ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाने लगता है और बाकी सेल्स को भी इन्फेक्ट करने लगता है। जनरली स्पीकिंग कोविड-19 इन्फेक्शन के 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 एसिम्प्टोमैटिक स्टेज होता है जो फर्स्ट डे या 2 में दिखाई देता है। यहाँ पर पेशेंट्स में सिम्टम्स का या माइल्ड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, पर इस वक्त इंसान काफी इन्फेक्शस होता है, इसलिए इनिशियली कोई भी सिम्टम्स या डाउट हो तो अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। इस स्टेज में वायरस आपके नेजल कैविटी में जमा हो जाते हैं। नेजल और थ्रोट स्वैब से कलेक्शन से इन्फेक्शन को डिटेक्ट किया जा सकता है। इनेट या बर्थ से जो हमें इम्यूनिटी मिलती है यहाँ पे काम आती है। नेक्स्ट फ्यू डेज में आता है स्टेज 2, जहां वायरस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में माइग्रेट करता है। यहां साइटोकाइन रिलीज होते हैं जो हमारे इम्यून सेल्स बनाते हैं। ये साइटोकाइन एक केमिकल सिग्नल है जो हमें बताते हैं कि आगे जाकर हमारा शरीर इस इन्फेक्शन से कैसे लड़ेगा। ज्यादातर लोगों को माइल्ड सिम्टम्स होता है और वो घर पे ही स्वस्थ हो जाते हैं, पर कुछ लोग स्टेज 3 तक भी जाते हैं। स्टेज 3 वायरस हमारे लंग्स में या गैस एक्सचेंज सेक्शन यानी कि एल्वियोलर सैक्स, एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोली तक पहुंच जाता है। वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए 2 तरीके की इम्यूनिटी काम आती है, इनेट इम्यूनिटी जो इनबॉर्न होती है और अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमें लाइफ में इन्फेक्शन के दौरान उत्पन्न होती है। कोविड-19 के अगेंस्ट इनेट इम्यूनिटी को अभी तक ठीक से नहीं समझा गया है, लेकिन यह माना जाता है कि यहां इम्यून सेल्स वायरस अटैक और टिश्यू डैमेज के कारण साइटोकाइन प्रोड्यूस करने लगते हैं। ये साइटोकाइन्स हमारे बाकी इम्यून सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड टी सेल्स को ब्लड सर्कुलेशन से इन्फेक्टेड लोकेशन तक ले जाते हैं। वायरस को मारने के लिए टी सेल्स का योगदान काफी अहम है, लेकिन वायरल अटैक के दौरान ये भी देखा गया है कि कुछ साइटोकाइंस हमारे टी सेल्स को भी मार देते हैं और यदि टी सेल्स मरेंगे तो वायरस ज्यादा दिन तक डैमेज कर सकता है। दोनों टाइप की इम्यून रिस्पॉन्स वायरस को क्लियर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने से रोक सकते हैं और टिश्यू डैमेज को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम हमारे लिए भी घातक साबित हो सकता है। इसलिए सिम्टम्स होते ही डॉक्टर को जरूर दिखाएं ताकि वो वायरस को मारने के लिए और इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां प्रिस्क्राइब कर सके। अगला सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि क्या मसल ग्रोथ से इम्यूनिटी इम्प्रूव की जा सकती है। 2020 में चूहों पे किए गए रिसर्च हमें ये संकेत देते हैं कि मसल्स इम्यूनिटी को बेहतरीन बनाने में एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। जिन चूहों के मसल्स अच्छे थे वो वायरस इन्फेक्शन से बेटर लड़ सके, लेकिन इस विषय पर इंसानों पर रिसर्च करने की आवश्यकता जरूर है। साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि वायरल इन्फेक्शन के दौरान जब टी सेल्स थक जाते हैं और वो इफेक्टिव नहीं रहते, तब मसल से कुछ सेल्स फंक्शनल टी सेल्स में डेवलप हो सकते हैं। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि वायरस से लड़ने के लिए काफी चीजों की जरूरत है और टी सेल्स उनमें से जस्ट एक है।
अगर हम एक्सरसाइज से फंक्शनल टी सेल्स बढ़ा सकते हैं तो वो हमको वायरस से लड़ने में मदद जरूर करेंगे, लेकिन समझने वाली बात यह है कि वायरस से लड़ने के लिए और शरीर को सुरक्षित रखने के लिए टी सेल्स ही काफी नहीं है। इसलिए जैसे ही कोई सिम्टम दिखाई दे आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, क्योंकि स्टेज वन में आप सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस होंगे। इसके बाद डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें, दवाइयां शुरू कर दें ताकि वायरस की ग्रोथ को रोका जा सके, और अगर इम्यून सिस्टम हिल जाए तो इम्यून एक्टिविटी को सप्रेस किया जा सके। घर में रहें, सेफ रहें, घर पे ही एक्सरसाइज करें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर आप काफी दिनों से वेट लॉस या मसल गेन करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आपको कोई हल नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारी वेबसाइट में जाकर किसी भी कोच के अंडर में एनरोल कर सकते हैं, जो आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान दोनों बना के देगा और साथ ही हर हफ्ते आपके साथ कनेक्ट करेगा ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे और रिजल्ट्स के हिसाब से प्लान को चेंज किया जा सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद और जय हिंद।